हिंद, विराम चिन्ह, पंचुएशन मार्क, ये पार्ट टू है, भाग दो है। इससे पहले एक भाग बनाया है, उसमें पहले चार विराम चिन्हों के बारे में बताया गया है, जो कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम और आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज जो है विराम चिन्ह होगा विस्मयादि बोधक चिन्ह या फिर विस्मयादि वाचक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये सरप्राइजिंगली मैंने कहा है तो आश्चर्यचकित होना पड़ेगा। हाय निकल सकता है, आह निकल सकता है, छी निकल सकता है, अरे निकल सकता है, शाबाश निकल सकता है, वाह निकल सकता है। मतलब यह विस्मयादि बोधक चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है। मतलब आप खुश हों, दुखी हों, बड़े उत्साह में हों, जोश में हों, अपनी शान में हों, तो ऐसे शब्दों का यूज़ करो और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाओ। ये एक सीधी रेखा और उसके बीच में नीचे बिंदु होता है। आह कितना सुहाना मौसम है, आह मैं पास हो गया, ओह ये क्या हो गया, ये सभी विस्मयादि बोधक चिन्ह के उदाहरण हैं। अगला है निर्देशक चिन्ह डैश, निर्देश देना, डैश देना। देखिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथनोपकथन के नाम के आगे लगाया जाता है। जैसे जैसे के आगे ही लगा देंगे, कोई एग्जाम्पल देना हो उसके आगे ही लगा देंगे, या फिर अध्यापक ने कुछ कहा हो, जैसे हम कोई पत्राचार पढ़ते हैं या फिर किसी का संवाद पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम लगा देते हैं कि भाई ये इसने कहा है। जैसे चार बच्चे बैठे हैं और उनमें कोई ना कोई बोल रहा है, तो उसके सामने नाम लिखा और निर्देशक लगा दिया, मतलब कि ये वाकई इसने कहा है। या फिर हम अलग अलग एग्जाम्पल्स देंगे, फलों के एग्जाम्पल देंगे, सब्जियों के एग्जाम्पल देंगे, कुछ भी देंगे, उसमें हम निर्देशक का चिन्ह लगा देंगे। अगला है योजक हाइफन, ये दो शब्दों को मिलाने का काम करता है और वे दोनों शब्द एक दूसरे से विपरीत भी हो सकते हैं, एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं और एक साथ लिखे भी जाते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। छोटे बच्चे इतना ध्यान रखें कि सुख दुख में, लाभ हानि में, ये जो बीच में एक योजक चिन्ह है छोटा, ये देखो निर्देशक बड़ा निशान होता है और योजक छोटा निशान होता है। आप मोबाइल के कीपैड में भी देखेंगे तो एक बड़ा निशान निर्देशक होगा और एक छोटा निशान योजक होगा। योजक मतलब जोड़ना, निर्देशक मतलब किसी ने जो कहा है। दिन रात, यश अपयश, तन मन धन, ये योजक चिन्ह के उदाहरण हैं। जैसे देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, तो योजक बड़ा ही आसान है। अगला है उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, इंग्लिश में बड़ा ही यूज़ होता है। जब भी हम किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, मतलब किसी की लाइन को एग्जैक्टली वैसे ही बोल दिया जाए, ज्यों का त्यों बोल दिया जाए। जैसे महान सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनकी लाइन थी, उन्होंने ऐसा बोला था, तो उद्धरण कर लिया है। उद्धरण का मतलब कॉपी कर लिया और वैसे ही बोला गया है। जैसे एक एग्जाम्पल है, सर ने कहा हिंदी में विराम चिन्ह सीखना आसान है, तो ये लाइन है, आप किसी भी बच्चों को बोलोगे तो ऐसे के ऐसे बोलोगे, ना कभी आप इसमें सर्वनाम चेंज करेंगे, ना संज्ञा चेंज करेंगे, ना काल चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जो भी लाइन कॉपी पेस्ट करनी होती है उन लाइनों को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। और है विवरण, विवरण का मतलब आपको एक्सप्लेन करना है, साइन ऑफ फॉलोइंग्स, या फिर उसके बारे में और एग्जांपल्स देने हैं या बताना है। जैसे विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे हमको वनों के बारे में ही बताना है,
या नदियों के बारे में ही बताना है, या किसी की विशेषता ही बतानी है, किसी एक चीज़ की अलग अलग विशेषताएं बतानी हैं, तो उसमें ये वाला विवरण साइन आ जाएगा। तो बच्चों, हमने अब तक सारे जो मेन थे, मुख्य 9 विराम चिन्ह पढ़ लिए हैं। जैसे पूर्ण विराम वाक्य पूरा होने पर आएगा, अल्प विराम वाक्य में थोड़े से रुकने के लिए आएगा, अर्ध विराम वाक्य में ज़्यादा रुकने के लिए आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए आएगा, विस्मयादिवाचक चिन्ह आश्चर्य या फिर किसी दुख को प्रकट करने के लिए आएगा, निर्देशक किसी चीज़ को दिखाने के लिए आएगा, योजक दो शब्दों को जोड़ने के लिए, उद्धरण किसी की बात को सेम वैसे के वैसे बोलने के लिए, और विवरण किसी का बखान करने के लिए आता है। तो सभी बच्चों को जय हिंद, थैंक यू। और इस विराम चिन्हों का एक भाग और आएगा, जिसमें सारे बाकी बचे हुए विराम चिन्ह आएंगे। थैंक यू।